देखिए 5 साल में पेट्रोल जो है वो 72 रुपए से 272 में चला गया। डॉलर 110 रुपए का था 5 साल पहले, 266 रुपए पे चला गया। तनख्वाह 25,000 रुपए। क्या इस डॉलर के उड़ने के असरात आम आदमी पर नहीं पड़ेंगे? क्या ये 72 रुपए का पेट्रोल आज 272 रुपए में जो हम ले रहे हैं, इसके असरात एक आम आदमी पर नहीं पड़ेंगे? मैं इस तमाम IMF के जो शराइत के ऊपर आप महंगाई कर रहे हैं, महाजर कौमी मूवमेंट इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है, और इसे महाजर पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, सिर्फ महाजर अवाम पर नहीं, पाकिस्तान के अवाम पर इसको जुल्म समझती है। हम जो लोन ले रहे हैं, हम जो दुनिया भर से कर्ज ले रहे हैं, उस कर्ज के समरात अवाम तक तो नहीं पहुंच रहे। ये कर्ज तो अशराफिया की अय्याशियों के लिए है। इन कर्जों के समरात अगर अवाम तक पहुंच रहे हो, जब हमें ये पता चलता है कि माली हालात खराब होने की वजह से लोग अपने बच्चों को स्कूल से उठा रहे हैं, तो दुख होता है, तकलीफ होती है। जब ये पता चलता है कि लोग अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना उनके लिए मुश्किल हो गया है, और उनका जीना मुश्किल हो रहा है, और वो बहुत तकलीफ में वक्त गुजार रहे हैं, तो दुख होता है। मतलब हमें हैरानगी होती है कि आप एक तरफ दुनिया के सामने कशकोल लेके जा रहे हैं, दुनिया के सामने आप भीख मांग रहे हैं कि साहब किसी तरह आपको जो है वो कर्ज मिल जाए, कोई आपको सपोर्ट कर दे, कोई आपको बेल आउट पैकेज दे दे, आपके पास डॉलर नहीं है। हम पाकिस्तान में डॉलर कमाने की कोशिश नहीं कर रहे, हम इस पाकिस्तान के अंदर डॉलर खरीद रहे हैं। आप कब तक डॉलर खरीद सकते हैं? आप अपने स्टेट बैंक में अपनी लिक्विडिटी शो करते हैं कि साहब आप तो आपके पास $2.5 अरब भी नहीं बचे, आप LC नहीं खोल पा रहे। इस वजह से अगर आप इन हालात से गुजर रहे हैं, तो मुझे बताइए जो आप ये क्या क्रिकेट मैच को आप कहते हैं PSL, ये जो आप PSL की रंगारंग तकरीब कर रहे हैं, एक तरफ आप जो है वो ताजियत करने जा रहे हैं अपने मुसलमान भाइयों को जो 36,000 तुर्की के अंदर जहां भाग हो गए जलजले में, कुदरती आफत के ऊपर आप उनकी इमदाद करने जा रहे हैं, एक तरफ आप रंगारंग तकरीब कर रहे हैं, और आप उस तकरीब के अंदर बता रहे हैं कि कितने कैरेट का गोल्ड लगा है इस ट्रॉफी पे, और कितनी इसके अंदर जो है वो जरकून लगे हैं। और साथ में सबसे ज्यादा जो अहम बात है जो मैं आपके सामने गोशगुजार करना चाहता हूं, कि पूरी दुनिया से आपने क्रिकेट के प्लेयर्स बुलाए हैं, क्या वो आपके पाकिस्तानी रुपए में वसूल करेंगे अपनी उजरत? जब आपके पास पैसे नहीं है तो इनको डॉलर में आप तनख्वाह देंगे, जो आपके पास से ड्रेन आउट हो रही है, और ये रकम कोई छोटी रकम नहीं है। हम अपनी पॉलिसीज, इक्तिसादी पॉलिसी इस तरह नहीं बनाते कि हम डॉलर कमा सकें। हमारा एतमाद लोगों में खत्म हो गया कि हम अपनी लेबर को बाहर एक्सपोर्ट करें और वहां से हम डॉलर कमा के यहां रेमिटेंस की शक्ल में मंगाएं। हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे कि हम डॉलर कमाएं।